देहरादून में सड़क किनारे स्थित शराब की दुकानों के आगे अव्यवस्थित तरीके से वाहन लगे रहने से जाम की स्थिति बनी रहती है। शराब लेने वाले लोग वाहनों को सड़क पर खड़ा कर देते हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब SP अक्षय कोढ़े ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और साथ ही स्थायी समाधान की अपील की है। SP ने बताया कि ऐसे 15 ठेके चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हटाने को लेकर DM को पत्र लिखा गया है। SP अक्षय कोड़े ने बताया कि शराब के ठेकों के कारण हर दुकान के सामने गाड़ियां पार्क रहती हैं और जहां भी ये दुकानें हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भी ठेके चक्राता रोड, राजपुर रोड और EC रोड से लेके बिंदालपुर हो या रिस्पना हो, जितने भी मुख्य मार्ग पर ठेके हैं, किसी भी ठेके के पास में कोई भी पार्किंग की सुविधा नहीं है और सारे दरवाजे ठेकों के मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। तो मैं कहूँगा लगभग 100% ठेकों की हालत सेम।